आइए अब फिर मैं एक मेज़बान शायर डॉक्टर सबा अख्तर शोक साहब से गुजारिश करता हूँ। सबा अख्तर साहब अच्छे खासे संजीदा शायर थे, मगर पता नहीं क्या हुआ कि ये शोक हो गए और तंज़ो मज़ा में शायरी करने लगे। हजरात ग्रामी, चार मिसरे से अपना शेरी सफर शुरू करता हूँ। हाजिर करता हूँ कि मेरे अल्लाह दुआओं में वो असर कर दे, कि मेरे अल्लाह दुआओं में वो असर कर दे, अब किसी का माल मेरे नाम तू नजर कर दे। मेरे अल्लाह दुआओं में वो असर कर दे, किसी का माल मेरे नाम तू नजर कर दे। अब पढ़ूं मैं शेर किसी का और किसी की पढ़ दूं गजल, यही है शौकी तो इस शौक को अमर कर दे। आइए चार मिसरे फिर मैं पढ़ता हूं, वक्त की कमी है। चार मिसरे फिर हाजिर करता हूं कि हर संग दिल को जाने वफा कह लिया करो। कि हर संग दिल को जाने वफा कह लिया करो, जानम की हर खता को अदा कह लिया करो। कि हर संग दिल को जाने वफा कह लिया करो, जानम की हर खता को अदा कह लिया करो। और जब जब तुम्हारी जुल्फ को छेड़े हवा कोई, ऐसे में तुम भी हाय सबा कह लिया करो। ऐसे में तुम भी हाय सबा कह लिया करो। और फिर ये चार मिसरे देख लेके मुझको बिजली के फूले तार से डर लगता है। कि मुझको बिजली के खुले तार से डर लगता है, नाव की टूटी हुई पतवार से डर लगता है। डर जो लगता है तो लगता है अपनी बेगम से, डर जो लगता है तो लगता है अपनी बेगम से, अब तो पायल की भी झनकार से डर लगता है। वाह वाह जनाब, सबा अख्तर शोक साहब अपनी चौकियां बयान कर रहे थे।